पुराणों में जगन्नाथ धाम की काफी महिमा है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा दाईं तरफ स्थित है, बीच में उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमा है और बाईं तरफ उनके बड़े भाई बलभद्र यानी कि बलराम विराजते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण को कलयुग का भगवान भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में मौजूद प्रतिमा के अंदर ब्रह्मा जी का वास है। जब श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना के लिए धरती पर अवतार लिया तब उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी, लेकिन शरीर मानव का था। जब धरती पर उनका समय पूरा हो गया तो वो शरीर त्याग कर अपने धाम चले गए। इसके बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन शरीर ब्रह्मलीन होने के बाद भी उनका हृदय जलता ही रहा। पांडवों ने इसे जल में प्रवाहित कर दिया। जल में हृदय ने लट्ठी का रूप धारण कर लिया और ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंच गया। यही लट्ठा राजा इंद्रद्युमन को मिल गया। मान्यताओं के मुताबिक मालवा नरेश इंद्रद्युमन, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पूरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक दारू का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। दारू मतलब लकड़ी। राजा तब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने ये प्रश्न था कि मूर्ति किससे बनवाए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। वृद्ध मूर्तिकार ने कहा कि वे एक महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। एक महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा और ना ही कोई ताक झांक करेगा, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से भी कई दिनों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोतुल हवस राजा से रहा ना गया और वे अंदर झांक कर देखने लगे, लेकिन तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाजा खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि मूर्तियां अभी अधूरी हैं, उनके हाथ और पैर नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने वृद्ध से माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह अब दैववश हुआ है और ये मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। वही अब तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं। इनका काष्ट आवरण हर 12 साल के बाद बदल दिया जाता है, मगर लट्ठा वैसा ही रहता है। जब मंदिर के पुजारी इस लट्ठे को बदलते हैं तो अपनी आंखों पर पट्टियां बांध लेते हैं और हाथ कपड़े से ढके रहते हैं। ऐसे में पुजारी ना तो देख पाते हैं और ना ही छू पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी ने इसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दास्ताने होते हैं। वह पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसे छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया। कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी, हाथ में दास्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए।